हेलो फ्रेंड्स, एमएस यूट्यूब सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूँ, और वीडियो है वो बहुत अच्छा वीडियो है। और इस वीडियो को देख करके जानेंगे कि इंजन का जो मेन बेयरिंग है वो किस तरीके से काम करती है, और कौन कौन सी बेयरिंग लगाई जाती है इंजन के अंदर, और किस प्रकार कार्य करती हैं, और किस तरीके की दिखाई देती हैं, इनकी बनावट कैसी रहती है। और आपने देखा ही होगा दोस्तों कि जो मेन बेयरिंग है इंजन उसी के ऊपर चलता है। मेन बेयरिंग के ऊपर चार प्रकार की बेयरिंगों का प्रयोग किया जाता है, यानी इंटरनल कंबशन इंजन है इसके अंदर चार प्रकार की मेन बेयरिंगों का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी बेयरिंगों का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सी बेयरिंगों का उपयोग किया जाता है, और किस तरीके की दिखाई देती हैं, कैसे कार्य करती हैं। और इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर जो मेन बेयरिंग है वो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, इसी के ऊपर इंजन चलता है, इसी पर ही क्रैंकशाफ्ट शुरुआत करते हैं। मेन बेयरिंग, तो आज हम जानेंगे मेन बेयरिंग जो है वो किस तरीके से दिखाई देती है। देखिए, ये जो है मेन बेयरिंग है, मेन बेयरिंग जो सेल है ये लगाए जाते हैं, इसमें कॉलर बने रहते हैं दोस्तों, और इस टाइप की ये मेन बेयरिंग रहती है। अभी देखिए, जो मेन बेयरिंग है मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताया गया है, मेन बेयरिंग इस तरीके से दिखाई देती है। और यहाँ जो ये मेन बेयरिंग है इसके अंदर देखिए कि ये जो है मेन बेयरिंग ये नीचे का है, इसको बोलते हैं ड्रिलिंग रहता है इसके अंदर, और इंजन फ्रेम के अंदर ये लगाया जाता है इसके अंदर, और ये ऊपर का हिस्सा रहता है इसके अंदर, और यहाँ पर ये सेल डाला जाता है, इसको है सेल, ये अपर सेल रहता है, ये लोअर सेल रहता है। यहाँ पर जो मेन बेयरिंग है इसी के अंदर क्रैंकशाफ्ट जो है चलती रहती है। तो मैंने बनावट के चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है, और इस तरीके से दिखाई देती है, और इंजन का बहुत सेंसिटिव पार्ट्स होता है ये। देखिए तो मेन बेयरिंग्स, मेन बेयरिंग क्रैंकशाफ्ट सिलेंडर ब्लॉक के साथ कसने के बाद इन्हीं मेन बेयरिंगों पर घूमती है। यह प्रायः दो टुकड़ों में बनाई जाती है, इन्हें कास्ट आयरन के बाहरी खोल में फिट किया जाता है। यह व्हाइट मेटल अथवा गन मेटल की बनी होती हैं। कुछ बेयरिंग सेल तांबे के भी बने होते हैं, इन पर व्हाइट मेटल का लेप चढ़ा दिया जाता है। इनके अंदर की सतह पर बहुत चिकनी होती है, इन जो अंदर की सतह है बहुत ही चिकनी होती है, ये व्हाइट मेटल या गन मेटल की बनाई जाती है। तथा क्रैंकशाफ्ट के क्रैंक जनरलों से लगभग चिपकी हुई होनी चाहिए। जब क्रैंकशाफ्ट ग्राइंड कराकर फिट की जाती हैं तो इन बियरिंगों की सतह पर क्रैंक जनरलों की रगड़ के हाई स्पोर्ट निशान बन जाते हैं, उन्हें खुरच कर दूर किया जाता है। इस कार्य को बियरिंग मिलाना कहते हैं, यानी बेयरिंग मैचिंग कहते हैं। दोस्तों देखिए, जो बेयरिंग है मेन बेयरिंग है ये बहुत ही सेंसिटिव है, इसके द्वारा यदि इस पर निशान हो जाते हैं, स्पोर्ट्स बन जाते हैं, तो क्या है, ये बहुत स्पीड से घूमती है, इंजन के जो आरपीएम है इसी से देखा जाता है, तो बहुत स्पीड से घूमती है, तो उस निशान को खुरच करके दूर कराए, तो इस निशानों को खुरच करके साफ कर दिया जाता है। इसके साथ देखिए दूसरी जो बेयरिंग है, बिग एंड बेयरिंग। तो मैंने मेरे पिछले वीडियो के अंदर से बिग एंड बेयरिंग के बारे में आपको बताया है, और मैं यहाँ इंडिविजुअली अलग से बिग एंड बेयरिंग का लिया है मैंने, और इसको बताने वाला हूँ आपको। तो बिग एंड बेयरिंग, बिग एंड बेयरिंग क्रैंकशाफ्ट के क्रैंक पिन पर कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने का कार्य करते हैं। यह भी मेन बेयरिंग की भांति दो टुकड़ों में बनाए जाते हैं, तथा इन्हें भी व्हाइट मेटल से अथवा गन मेटल से बनाया जाता है, और इन बेयरिंगों के अंदर आयल ग्रूव बना होता है जिसके बीच में क्रैंकशाफ्ट से तेल आने के लिए एक छेद बना रहता है। बिग एंड बेयरिंग कनेक्टिंग रॉड में घूमे नहीं, इसके लिए लॉकिंग लिप बनी रहती है, लॉकिंग लिप बनी हुई रहती है जो कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड लीप स्पॉट में फिट करते समय बैठ जाती है। देखिए कि जो कनेक्टिंग रॉड के अंदर बिग एंड बेयरिंग है, तो इसके अंदर क्या रहता है कि लिप बना रहता है। लिप बने रहने से क्या होता है कि जब कनेक्टिंग रॉड क्रैंकशाफ्ट घूमती रहती है, तो उसके अंदर क्या हो गया कि इसके से बेयरिंग है जो सेल है वो घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि ये खुद ही घूमता है, तो उसके अंदर लिप बनी हुई हो रहती है। तो देखिए, जहाँ मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइप की रहती है, इस तरीके की रहती है, ये यहाँ पे लिप रहती है जिसके अंदर बैठ जाती है, जिससे कि ये बेयरिंग सेल खुद घूमते नहीं है। तो इसके साथ देखिए, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको बिग एंड सिरा। तो ये कनेक्टिंग रॉड का कौन सा सिरा होता है, बिग एंड सिरा रहता है, और जो पिस्टन और
कनेक्टिंग रॉड को जोड़ता है इसको कौन सा बोलते हैं, स्मॉल एंड सिरा बोला जाता है। इसको कौन सा सिरा बोलते हैं, स्मॉल, और इसको कौन सा सिरा बोलते हैं, बिग एंड सिरा कहते हैं। ये इसमें लोअर सेल रहता है और इसमें अपर सेल लगा रहता है। ये भी दो टुकड़ों में रहता है, यहाँ से दो टुकड़ों में रहता है। तो देखिए मैं नीचे बताता हूँ आपको इसके माध्यम से। तो ये देखिए लोअर सेल और ये अपर सेल रहता है, ये बिग एंड बियरिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बिग एंड बियरिंग बोलते हैं। तो स्मॉल एंड बेयरिंग, अभी स्मॉल एंड बेयरिंग जो है, तो देखा अभी मैंने आपको बताया स्मॉल एंड बेयरिंग है जो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के जोड़ने का जो कार्य होता है उसमें स्मॉल एंड बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड गजन पिन की सहायता से पिस्टन बॉस में जोड़ने के लिए फिट करते समय स्मॉल एंड बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। यह एक बूस्ट बेयरिंग के रूप में गन मेटल अथवा ब्रॉन्ज मेटल द्वारा बनाया जाता है। इन धातुओं में यह विशेषता होती है कि लुब्रिकेशन तेल इनके अदृश्य छिद्रों में से रिश्ता रहता है। इसके अलावा लुब्रिकेशन के लिए इसमें एक ड्रिल हॉल बना हुआ होता है जिसमें कनेक्टिंग रॉड से तेल आता रहता है। एक होती है स्पिगॉट बेयरिंग, स्पिगॉट बेयरिंग ये फ्लाईव्हील के ठीक बीच ये बेयरिंग फिट रहता है जिस पर गियर बॉक्स की प्राइमरी शाफ्ट टिकी रहती है। इसके लिए छोटी बॉल बेयरिंग या निडिल रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है जब इंजन और हॉलिंग किया जाता है, इंजन और हॉलिंग किया जाता है अथवा क्लच की मरम्मत की जाती है तो इसे चेक कर लेना चाहिए। ये किस टाइप की रहती है, देखिए इस तरीके की रहती है, स्पिगॉट बेयरिंग है वो इस टाइप की रहती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक एंड वीडियो। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करिए दोस्तों। धन्यवाद, फिर आपको एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे।